अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो भाई पहला मैच हम लोग जीत गए थे, अब हमारा सेमी है, 4 ओवर या 3 ओवर का सेमी होगा। बैड लक थोड़ी होने वाली है, मगरिब के हम आसपास हैं। ये मैच जीतेंगे तो फाइनल में जाएंगे, और फाइनल जीत जाएँ तो 25,000 आई थिंक यहाँ की विनिंग, जो कि अच्छी विनिंग है, तगड़ा टूर्नामेंट है। और टीम में बॉयज़ ये बैठे हुए, ये अली आया है, अली हमारी टीम का ही है, बस थोड़ा सा लेट आया। और यहाँ पे एक महान क्या कहते हैं पुरुष, महापुरुष बुला लिया हमने, महापुरुष इधर जुब्बल, और जो पीछे आपको दिख रहा है चक दे इंडिया, इंडिया के अपर के लिए मोहम्मद शामी, शाहरुख खान का वाला डायलॉग दे, ये 70 मिनट है तुम्हारे पास, ये यही बोलता है, ये 5 ओवर इसमें 100 कर दो ताकि मेरा कवर हो जाए। तुम कंटेंट हो फैसल, तुम बिहाइंड द कैमरा जो ये बातें करता है ना, तुम लोगों के पास देने के लिए इधर आए फैसल। ईमानदारी से बताइए कितने रन करने चाहिए, अगर 4 का हो यार मैच 3 ओवर का होगा, 3 ओवर का हो, 3 का हो तो कितने 60 करें, 60 रन तो मिनिमम होने चाहिए। और अगर पहले बॉलिंग आ जाए मिनिमम कम से कम तो रुको 40-45 इनफ रन, बाकी जीतना है यार, लास्ट टूर्नामेंट भी आ रहा है, एक मैच जीत जाएंगे, सुबह से धूप खा रहे हैं, जीत के ही जाना पड़ेगा भाई, जाना पड़ेगा यहाँ से, वरना तो क्योंकि यहाँ पे तो लड़के गिर भी रहे हमारे, मसला ये एक बंदा आपको सीन बता दो क्या हुआ था जुब्बल, एक बंदे तुम्हारी नजर पड़ी, कहाँ बैठा हुआ था वो, कहाँ बैठा हुआ था, बाइक पे यूं कर बाइक लेटी भी उसके ऊपर यूं करके बैठा हुआ एक बंदा, समझ नहीं आ रहा इस क्राउड में क्या, बट बाय द वे मजाक के अलावा आई रियली अप्रिशिएट के अदील का जिस तरह बैट चल रहा है, इसको जिम्मेदारी लेके इन 2 मैचेस में अगर ये बारी कर देता है, बड़ा टूर्नामेंट है, एक्सपोजर बड़ा, इंशाल्लाह इसका और मजीद नाम होगा, लक्के खेलो इंशाल्लाह, मान लीजिए लक्के खेलो, बाकी पहले बैटिंग आए तो 60 है, अगर बॉलिंग लक्के खेलेगा तो हेड विकेट हो जाएगा ना, कलम आगे रखे क्या, क्या करना भाई, बिरयानी बनवा, ये मस्तियां भी तो करता है पीछे से, सीरिया तो एक मिनट तू 10 सेकंड तक हंस नहीं, तू सीरिया था, हमारी टीम का ये कीपर बताओ यार कितने इसके हाथ है, लेकिन बॉल नहीं जाने देता आपका भाई, मैच पीछे रन, लगी हुई थी, रन आउट कैसे गिरे तेरे भाई ने, अबे पहुंचती नहीं है वो मैं रन आउट नहीं करता, मैच कैसे जीतते, कह रहा हमारी बॉल पीछे तक पहुंचती नहीं, अरे बाबू पीछे नहीं पटा रहा भाई, नहीं जो पहुंचती है फैसल भी पीछे के हाथ रोक लेती है यार। पहला मैच तो हम लोग जीत गए थे, हमने रन अच्छे लगा दिए थे, लेकिन अब ये 3 ओवर का मैच है तो हमें 60 एटलीस्ट करना पड़ेगा, 60 करेंगे तो हम बचेंगे, बाकी जो टीम से मैच है वो पता नहीं वाई आर के ऐसे नाम उसका नाम है, उसमें भी अच्छे प्लेयर्स हैं कुछ, तो कोशिश करेंगे ये सेमी जीतें और फाइनल पर जाएं, बाकी लेट्स सी क्या होता है, अभी टॉस नहीं हुआ है, टॉस होता है तो हम आपको बताएंगे, अपडेट देंगे हम आपको पक्की सारी। हमारी पहले बैटिंग है 4 ओवर की, मैं और अहमद जा रहे हैं, कोशिश ये है कि 70 रन करें, बाकी लेट्स सी क्या होता है भाई। सेकंड सेमीफाइनल हमारा स्टार्ट हो गया, और अहमद और अदील दोबारा बैटिंग पे चले गए, क्योंकि पहले मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी अदील ने स्पेशली, और अहमद आप सबको पता है कि बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, तो अफनान बॉलिंग पे आए हैं, पहला बॉल किया है वाइड, 4 ओवर का ये मैच है, और ऑलमोस्ट 70 का माइंड बना के गए दोनों बैट्समैन के 70 बनाने, अब लेट्स सी के बनते कितने रन है। पहला बॉल वाइड किया है अफनान ने, ये बॉल देखते हैं, ये स्टार्ट ले लिया अहमद ने छक्के से, बहुत अच्छे अहमद, बहुत अच्छा स्टार्ट मैच का लिया है अहमद ने, और वी होप के इस फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे 4 ओवर तक। अब अहमद अफनान दूसरा बॉल करेंगे, पहले ओवर का अच्छा शॉट, सिंगल बनेगा, अदील स्ट्राइक पे आ गया, और पहले मैच में बड़ा अच्छा बैट चला था अदील का, इस मैच में देखते हैं कि रन दो बॉलों पे 8 रन आ गए, तीसरा बॉल फेस करेगा दिल ये, और ये 6 हो गया भाई, ये मिस फील्ड का 6 मिस टाइम भी हुआ था ये दिल का, ऊपर लगा था सही है पूरा लेगा शाबाश, अदील ने जहां से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू किया है, पहली बॉल पे छक्का लगाया अदील ने, तो 3 बॉलों पे आ गए 14 रन। अफनान चौथा बॉल करेंगे अपना पहले ओवर का, वाइड बॉल, 3-15 हो गए इधर भाई, 3 पे 15 रन आ गए,
चौथा बॉल ये कैच हो गया दिल, ये पूरा नहीं मारा दिल ने। अस्सी जा रहा है बैटिंग पे, लेफ्टी है। अस्सी का एंड ये वाला छोटा है थोड़ा, और इनको आसानी होगी थोड़े लेग स्टंप मारने में। मुनासिब ओवर किया अभी तक तो चार बॉलें जो की है। 14 रन का ओवर इज नॉट बैड। सोलह आ गए, चार पे 16 आ गए भाई, चार बॉलों पे 16 रन आ गए, और 16 रन अच्छे हैं। 15-16 का एवरेज जो है बहुत बड़ा। वाइड फंबल था लेकिन रन नहीं किया अहमद ने, क्योंकि बैटिंग हमारे पास बहुत लंबी है। सेमीफाइनल है ये, सेकंड सेमीफाइनल है, ये जीतते हैं तो फाइनल खेलेंगे। एक सेमीफाइनल हो चुका है, पांचवा बॉल करेंगे अफनान। अरे सिंगल बनेगा ये, एज लगा था लेकिन बॉल पहले टिप हुआ। एक लेना है इसमें, एक छक्का अगर अहमद लेता है तो रन बहुत अच्छे हो जाएंगे। रन अभी भी अच्छे हैं, 16 का एवरेज अच्छा है, बट अहमद जब तक विकेट पे है तो अहमद से उम्मीदें हैं कि रन अच्छे होंगे। वो करना बनेगा यार, सिंगल बना है इस बॉल पे और 19 हो गए, 19 रन है। 19 थोड़े कम है इस ग्राउंड के, सही है यार, सही यार, 19 बुरे नहीं है, तकरीबन 20 का एवरेज है। हाँ हर चार ओवर में बस अहमद खड़ा रहा है विकेट पे। इंशाल्लाह दिल भी गलत आउट हो गया ना वाला, हाँ पूरा नहीं मारा दिल ने। वहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, कप्तान समझा रहा है अहमद को कि तुम्हारी विकेट इंपॉर्टेंट है, 3 ओवर स्टे करना विकेट पे। अहमद स्टे करेगा तो जाहिर सी बात है रन भी करेगा। हाँ चार ओवर में 100 भी बन रहे, लास्ट मैच में बनाया उन्होंने। हाँ शाबाश अहमद, दूसरा ओवर करने के लिए हैदर खुद आए हैं। हैदर आए हैं दूसरा ओवर करने के लिए, और पहले ओवर में तो 19 रन है। पूरा नहीं मारा ना तुमने, पूरा लगा ही नहीं मुझसे। चलो खैर कोई बात नहीं। शाबाश अहमद, वाइड बॉल, वाइड बॉल किया है पहला, 20 रन होगा इस तरह टोटल की बड़ी विकेट है। अहमद को चार ओवर खेलने होंगे, अहमद अगर चार ओवर पूरे खेलता है तो 70-75 बनाना अहमद के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये मारा अहमद ने अपने हिस्से का दूसरा छक्का, रन मशीन ऐसे ही नहीं बोलते अहमद को। शाबाश अहमद, लगे रहना लगे रहना, शाबाश अहमद वर्सेस हैदर। ये ड्रॉप कर दिया भाई अहमद का कैच इन्होंने, अहमद को भी चांस मिल गया और अहमद यूटिलाइज करेगा अब इस चांस को। फसी बैक ऑन स्ट्राइक, एक बॉल खेला है फसी ने अभी तक, अपने हिस्से का दूसरा बॉल खेलेंगे। हैदर थोड़े डिसअपॉइंट हुए हैं कैच ड्रॉप होने पे। शाबा फसे, दो बॉलों पे 8 रन आए हुए, तीसरा बॉल करेंगे हैदर और ये हो गया 4। गैप था, फंबल हुआ थोड़ा सा और 4 हो गया। 3 बॉलों पे 12 रन आ गए और 12 3 बॉलों पे अच्छे रन है, 3 बॉलों पे मज़ीद 10 रन बनते हैं तो रन बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये खड़ी कर दी है और ये ड्रॉप हो गया कैच।
हैदर खुद आ गए विकेट पे बॉल कलेक्ट करने के लिए। अहमद आ रहे हैं समझाने के लिए फसी को, एक लेगा अच्छा हो जाएगा, शाबाश। चार बॉलें हो गई हैं और मिट्टी यहाँ बहुत है भाई। पांचवा बॉल दूसरे ओवर का और ये भी चार हो गया भाई। फसी ने वो एरिया ढूंढ लिया है और देख लिया कि वहाँ के फील्डर्स बड़े लूज हैं, वहीं गैप में खेल रहा है, बट हमें रन से मतलब है, रन आने चाहिए। बहुत अच्छे फसी, क्या बस सही है एक लग जाएगा, सही है शाबाश। लास्ट बॉल दूसरे ओवर का और ये हो गया कैच, फसी आउट हो गए। अच्छा बॉल तो नहीं था लेकिन पूरा मारा नहीं फसी ने। और अब जुबैर उर्फ जुबली जा रहे हैं बैटिंग पे। अहमद अभी तक विकेट पे खड़ा हुआ है और अहमद जब तक खड़ा हुआ है सामने दो बॉलर्स रहते हैं, उनको ये डर है कि अहमद से बॉल बचानी है और अहमद को आउट करना है। जी सर भाई, दो ओवर 37 हो गए, मतलब भाई कितने करने चाहिए मजीद दो ओवर? यार देखो अहमद खड़ा हुआ है विकेट पे, जब तक अहमद खड़ा हुआ है ना भैया अनएक्सपेक्टेड गिर गया, 70 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 70 होने चाहिए वैसे, 35-37 अच्छे रन है यार दो में। साइड अगली साइड भी अच्छी है भाई, यार हमें 70 रन करने चाहिए ताकि हम डिफेंड, ताकि बॉलर्स को भी रन मिल जाए ना यार, रिलैक्स होकर बॉल करें बॉलर। अहमद भाई और जुबी भाई दोनों बैठे हैं, देखते क्या करते हैं। चलो ठीक है देखते हैं। तीसरा ओवर स्टार्ट हो रहा है, तीसरा बॉलर डिसाइड नहीं हो पा रहा इनका कौन है। नाम तो हमें मालूम नहीं है बॉलर का। शाबाश अहमद, दो में करने हैं, 30-35 करेगा 70 तक पहुंच जाएंगे, 37 है ना, शाबाश। शायान नाम है बॉलर का, शायान देखते हैं कि अहमद को कितने रन का ओवर करते हैं। जुबैर जो है वो अभी आए हैं विकेट पे, अहमद जो है वो दो ओवर से विकेट पे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अपने से के दो छक्के मार चुके हैं और ये तीसरा छक्का ये ग्राउंड से बाहर। बहुत अच्छे अहमद, अहमद ने स्टार्ट तीसरे ओवर का भी छक्के से ले लिया और 43 हो गए इस तरह। तीसरा ओवर स्टार्ट हुआ है, एक बॉल हुई है, 11 बॉलें अभी भी हैं अहमद के पास। ये दूसरा छक्का अहमद का, ये दूसरा बैक टू बैक छक्का। और अहमद वो प्लेयर हैं जो एक ओवर में 5 से 6 छक्के मारने की भी सलाहियत रखते हैं। हैदर जो है वो समझा रहे हैं शायान को कि चार बॉल किस तरह बचानी है अहमद के खिलाफ। शाबाश अहमद, वाइड बॉल और दो बॉलों पे इस तरह आ गए 14 रन। दो बॉलों पे दो बैक टू बैक छक्के लगे थे, वाइड पे बना सिंगल और जुबैर स्ट्राइक पे आ गए। 10 बॉल टोटल मैच में रहती हैं और 10 बॉलों पे जितने ज़्यादा रन बन सकें वो अच्छा है हमारे लिए। क्या बात जुबले, वाइड बॉल दोबारा और दो बॉलों पे आ गए 15 रन, तो बॉलर हो गए परेशान। 15 रन दे दिए उन्होंने दो बॉलों पे, मजीद चार बॉलें उनको भी करनी है जिसमें उनको बाउंड्री भी बचानी है और रन कम से कम कंसीड करने हैं। तीसरा बॉल करेंगे शायान और ये जुबली का पहली बॉल पे देखते हैं क्या हुआ है। ड्रॉप हो गया भाई, कैच ड्रॉप हुआ है जुबैर का, पूरा नहीं मारा था। तीन बॉलों पे आ गए हैं 17 रन जुबैर को, ये हो गया 6। बहुत अच्छे जुबले, पूरा मारना था, यादा लगा था,
सही है सही है, बट रन्स भरपूर आ गए इस ओवर में। चार बॉले 24 रन, लग रहा है कि चार बॉलों पर चार छक्के लगे। और ये बहुत तेज बॉल करने की कोशिश की थी जो कि पीछे टेंट पे लगा है, फ्री हिट भी है भाई। 26 रन आ गए चार बॉलों पे और शायान का अभी तक का सबसे महंगा ओवर ये इस इनिंग का साबित हो गया है। अहमद रन मशीन बला नजर आ रहे हैं अभी बॉलिंग बॉलर्स को। और ये तीसरा छक्का इस ओवर में अहमद का, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर अहमद। 5 पे आ गए 32, 5 पे 30 आ गए कप्तान 5 32। चार बॉले 26 रन थे। लास्ट बॉल है तीसरे ओवर का, 2 में 37 थे, इसमें 32 आ गए, 67 टोटल हो गया। और ये लास्ट ओवर का नहीं, सॉरी लास्ट बॉल, और ये अहमद आउट। अहमद आउट हो गया, अली जा रहे हैं बैटिंग पे। लास्ट ओवर अभी भी रहता है और रन तो बहुत अच्छे हो गए। 33 और में 37 थे, इसमें 32 आए, मैं 32 आए, मतलब 69 ओवर के रन थे वो एक ही वाला देख गए। कितने हो गए? 39 69 69। यहां 21 रन और कर ले 90 पे पहुंच जाएंगे चार ओवर में। हमारी बॉलिंग कमजोर है, ये जो कप्तान की टीम की बॉलिंग है ना, लेकिन हमने पिछले मैच में 5 में 90 गिरे, इसमें 4 में 90 तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन क्रिकेट का पता नहीं है ना, ये बात है, तैयारी होगी पूरी। 31 बोल रहा है भाई वो, मेरे हिसाब से भी 31 थे ये लोग, यहाँ से एक रन बढ़ा रहे थे। 31 और 39 कितने हो गए? 37 कितने हो गए? 68 हो गए। सही है जुब्बल, 22-23 करेंगे, पूरे 90 हो जाएंगे, शाबाश। और ये जुबैर का बोल के अगर राइट साइड पे होगा तो 6 रन होंगे। शाबाश जुब्बल, 5 रहती है, शाबाश। 5 बॉलें रहती हैं, रन तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन जो रन अभी भी बन जाए वो प्लस है, वो बोनस है। लास्ट ओवर इस इनिंग का, जुबैर 5 बॉलें रहती हैं, फेस करेंगे। अरे बैठ गया ये बॉल, 2 रन हो गए। सही है, 2 है ना वहाँ के। अली वर्सेस अली, 4 बॉल रहती हैं, तीसरा बॉल फेस करेंगे अली, अली का 3 पे 7 आए हैं भाई। बाबू को भेजा है जिम्मेदारी के लिए, और ये बाबू ने शॉट तो मारा लेकिन अपने सेहत के हिसाब से मारा, और 4 रन बैक, चौका मार दिया बाबू ने। बाबू जेब में से हाथ निकाल रहे हैं, लग रहा है मूंगफलियां रखी हुई है, चाबी। बाबू 2 पे 2 आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। चार बोले हो गए इसकी, 4 11। फहद अपने दोस्त को समझाते हुए, लगता है देखते हैं बाबू क्या करेंगे। 4 पे 11, ये छक्का आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक और शॉट लेकिन नहीं हुआ क्या? 4, ये लोग बहुत खड़े हुए। 5 13, जुब्बल करेंगे आप सामना, यार आपस की बात है। उस्मान जिस तरह का टूर्नामेंट है, बॉलिंग थोड़ी हल्की थी, किसकी बॉल इस टीम की है ना यार? हाँ, रेगुलर बॉलर नहीं है इनके पास, लेकिन बैटिंग अच्छी है इनके पास, बैटिंग अच्छी है इनके पास, सही। चलो भाई मैच को मजा आएगा आप लोगों को देखने में। मैच आखिरी बॉल इनिंग का, एक और शॉट जुब्बल का लेकिन पूरा नहीं गया, कैच आउट। तो 13 और 68, 81 और 782 का विनर। अब हमारी बॉलिंग कप्तान क्या विन है? 81 विन यार, बचा ना भाई ये, फिर ये जीत के फिर इंशाल्लाह फाइनल में पहुंचेंगे, और उसमें भी इंशाल्लाह जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये मैच जीतना। गुड टू बैल बैट यार, शाबाश।
82 रन का विन दिया, 82 रन का विन है। और ये नॉर्थ का एक अच्छा लेफ्टी खेल रहा है, शिवगत लेफ्टी, और वहाँ पे एक यंग टैलेंट आया है जबकि हैदर एक अच्छा प्लेयर है, उसको रोक के भेजा तो कोई अच्छा टैलेंट होगा। जो बात, अब देखो लेकिन 82 रन बहुत है, जीतना तो चाहिए तुम लोग को। अच्छा टारगेट है ना 82। चले भाई उस्मान, आप मेरे इस तरफ आ जाए, कहीं कट वट आए तो बाबू डिस्टर्ब ना हो। शिवगत लेफ्टी, अभी हम इशारा करवाते, शिवगत सलाम आए इंडिया से, सलाम आया तेरे लिए। चलें भाई, फैसल आ चुके हैं पहले ओवर के जाने और शिवगत करेंगे उनको फेस। चलिए भाई मैच स्टार्ट हो चुका है, चेज स्टार्ट हो चुका है। ओ गुड बॉल, अरे वाइड बॉल, वाइड बॉल दिया ये, क्या स्विंग हुआ है। बगैर बॉल के एक रन फैसल का, और शिवगत का शॉट लेकिन दो रन, इस पोल से उधर की दुगी है, दो रन। क्राउड अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्राउड इस वक्त ये है, इस ग्राउंड का ये रहा क्राउड, चेक करें, एक क्राउड है। एक पे दो, एक अच्छा बॉल लेकिन वाइड, यहाँ पे भी डायरेक्ट का रूल है और हर जगह फॉलो होता है वो। बगैर एक बॉल चार रन आए थे, एक बॉल पे चार रन आ चुके हैं, एक एक्स्ट्रा, एक दुग्गी, फिर एक्स्ट्रा, एक बॉल चार रन। अच्छा शॉट शिवगत का और छः रन है, छः रन हो गया भाई। हाँ वो एरिया छोटा है काफ़ी लेफ्टी के लिए। दो बॉल दस रन, शिवगत काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और सेमीफाइनल में अगर यही परफॉर्म करेंगे तो हमारा कुछ होगा, इनकी टीम का कुछ होगा, क्योंकि इनकी टीम के कह रहे हैं कि बॉलिंग तो अच्छी नहीं थी लेकिन बैटिंग अच्छी थी। टूर्नामेंट अच्छा है, विनिंग अच्छी है, लेट्स सी क्या होता है। शिवगत करेंगे फैसल का सामना, अच्छा बॉल और अली के जाने बॉल, और यहाँ बहुत अच्छी फील्डिंग, तीन बॉलें 11 रन, नए बैट्समैन करेंगे फेस, देखते हैं कि कैसी पारी खेलेंगे, नए बैट्समैन है, नया टैलेंट है, लेट्स सी। तीन बॉलें 11, फैसल को तीन बॉलें सेव करनी होंगी अपनी, क्योंकि ये ही टीम के अच्छे बॉलर हैं, अगर ये रन दे देंगे तो बाकी पीछे कैंप में खलबली मच जाएगी। अच्छा शॉट, छः रन, तगड़ा छः, चार बॉले 17, देखते हैं कि फैसल बाकी की दो गेंदे कैसे करते हैं। 4 पे 17, एक और अच्छा शॉट यार वाज का, ग्रेट सिक्स फैसल को, 23 रन आ चुके हैं फैसल के ओवर में। और जिस तरह मैंने बोला था कि फैसल टीम के मेन बॉलर है, उनको रन लगना खलबली कर देगा टीम में, और वैसा ही हो रहा है। बाकी देखते हैं, एक और बॉल और एक और शॉट यार, तगड़ा छक्का। तो एक ओवर में अभी तक फैसल दे चुके हैं 29 रन, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। 29 आ गया, पीछे बच गए कितने, 53 यार, बहुत बड़ा ओवर करके चले गया फैसल यार, यहाँ बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमें। समझ से बाहर है कि फैसल को क्यों कप्तान पहला ओवर करते हैं, जब वो रन खा रहा है तो उसको थोड़ा बाद में देते हैं। वाइड बॉल, आज एक्स्ट्रा बचाना, वाइड बॉल। चलें भाई, पहली बॉल पे ही वाइड कर दिया फहद ने, फहद दूसरा बॉल करेगा और वो काफ़ी बैठा बॉल, और एक बॉल एक रन, फहद का अच्छा बॉल, बॉल काफ़ी बैठ गया ये, तो एक बॉल एक रन, पहले ओवर में 29 रन लगे हुए, तो इस तरह बच गए 17 बॉल पे 52 रन। और शिवगत और जो सामने बॉय है, इसने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, और देखते हैं कि ये सेमीफाइनल कौन जीतता है। एक बॉल एक रन, फहद का एक और अच्छा बॉल, और दो हो गए, तो इस तरह दो बॉलों पे चार रन आ चुके हैं अभी तक, दो बॉलों पे तीन रन है, और शिवगत करेंगे फेस फहद का, देखते हैं फहद तीसरा बॉल कैसा करते हैं। ओहो, बहुत गंदा बॉल, बहुत गंदा बॉल फहद का, और इस तरह दो बॉलों पे रन हो गए हैं 5। चलिए भाई, फहद करेंगे सामना एक अच्छे बैट्समैन का,
और ये ओए आउट हो गया भाई, विकेट पे बॉल लग गया, विकेट पे बॉल लग गया भाई। आउट तो हुआ था लेकिन वो फ्री हिट थी, तो इस तरह तीन बॉलों पे पांच हो गए। पहले दो पे पांच थे तो बॉल काउंट होगा फ्री हिट का, तीन पे पांच, फ्री हिट भी है भाई यहाँ पर, तीन पे पांच। एक और अच्छा स्लो वन और अच्छा छः यार, बहुत अच्छी पिक कर रहा है ये लड़का और अभी तक वन साइडेड बैटिंग कर रहा है। चार पे ग्यारह, चार बॉले ग्यारह रन, फाहद करेगा पांचवा बॉल और ये नो बॉल, और नो बॉल पे डुग्गी। तो इस तरह आ गए हैं चार बॉलों पे ऑलमोस्ट 12 या 13 रन। अभी मैं पूछता हूँ, 4-14 फहद थोड़ा सा प्रेशर में आ गए और नो बॉले कर रहे हैं, वाइड बॉल और बाबू की एक और मिसफील्ड और इस तरह आ गए हैं रन 16 रन, चार बॉले 16 रन। फहद करेगा पांचवा बॉल, अच्छा बॉल, अच्छा बॉल फहद का और इस तरह पांच पे आ गए 17 रन। बहुत कांटेदार मुकाबला ये आपको देखने को मिलेगा क्योंकि रन हमने अच्छे किए हैं लेकिन सारा दारो मदार हमारे बॉलर पे, क्यों बचाते नहीं बचाते। फैसल ने तो बहुत ही डिसअपॉइंट किया क्योंकि पहले ओवर में 29 रन इज़ अ क्राइम, आपके पीछे 42 रन 82 रन लगे हुए, आप 12 का कर जाओ, 14 का कर जाओ, 20 का कर जाओ बर्दाश्त है, लेकिन आप 29 रन करो और फिर आपको बाकी बॉलर के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है क्योंकि एवरेज कम हो जाता है। बात करेंगे अपने ओवर का आखिरी बॉल, अच्छा बॉल, बहुत अच्छा बॉल, अरे यार ये गंदी फील्ड हो गई और इस तरह आ गए हैं फहद के ओवर में 18 या 19 रन। अगर दो ओवर में तकरीबन 49 रन लग चुके हैं और अब दो ओवर में ना सिर्फ 33 रन लगे और बॉलर ने बड़ा डिसअपॉइंट किया कि यार हमने सोचा था कि हम वन साइडेड मैच जीतेंगे लेकिन रन बहुत लग गए यार, लेट्स सी क्या होता है। मुतैया आए तीसरा ओवर करने के लिए और एक और शॉट यार सिबगत की जानिब से और इस तरह देखते हैं कि क्या लाहे मल होगा मुतैया का, क्योंकि मुतैया को एक बॉल पे छक्का लग चुका है और अब रह गए 11 बॉलों पे ऑलमोस्ट 27 रन। सिबगत स्ट्राइक पे, मुतैया करेंगे गेंद, एक और अच्छा शॉट लेकिन एक और छः, एक और छः भाई, जिस तरह की उम्मीद थी इनके बैट्समैनों से वैसे ही ये परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरह की हमें अपने बॉलर से उम्मीद थी वैसा ही वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता था कि यार हमारे बॉलर्स नहीं बचा पाएंगे जब भी हम लोगों ने पहले बैटिंग की 82 रन लगाए, लेकिन सारा सीन आपके सामने है, बॉलर्स बचा ही नहीं पा रहे, एक अच्छा बॉल नहीं कर रहा है कोई। एक और शॉट यार सिबगत का, व्हाट अ लवली शॉट यार सिबगत, क्या बात है यार, लवली बैटिंग फ्रॉम द सिबगत, अकेले ही मैच को फिनिश करते हुए। अब देखते हैं कि कैसा, एक और शॉट और एक और छक्का सिबगत की जानिब से, चार बॉले चार छक्के सिबगत कह रहे हैं मुतैयब को दूसरी बार, ओए चार पे चार है ना, एक बार मार चुका है, चले भाई वो बोल रहे हैं मैं मुतैयब को दूसरी बार पांच पे पांच मार चुका हूँ, तू मार दूंगा अगर इस पे लगता है तो। ओ हो ये दुग्गी है, नहीं हुई दुग्गी, हुई है दुग्गी, हुई है ये मुतैयब और सिबगत दोस्त हैं आपस में, ओ मार ही दिया, इसलिए बोला भी था मार ही दिया। और ये दोनों बैट्समैन की आउटस्टैंडिंग, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, ये दो बल्लेबाज इन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके वन साइडेड मैच जितवा दिया। सो गाइस एक और टूर्नामेंट हम लोग हार गए और कप्तान की जो टीम है भाई, इनको जब हमने ज्वाइन करा था हमने पहले बोल दिया कप्तान ये जो आपके बॉलर हैं ये इस लेवल की क्रिकेट की नहीं है जिस लेवल की अब हम लोग खेल रहे हैं, हम 82 रन भी कर रहे हैं और जो भी ब्लॉग देख रहा होगा यही बोल रहा बहुत रन होते हैं लेकिन बॉलर बुलाने पड़ेंगे या तो इनको बनाने पड़ेंगे, बहुत अच्छी हो रही है जितने मैचेस भी अब तक हारे बॉलिंग से हारे हम लोग। सिबगत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके जगह जो राइटी था उसने भी मैच बहुत अच्छा चलाया, शुरू में उसने ही मैच चलाया एंड में जाकर सिबगत ने परफॉर्म किया। खैर आज टूर्नामेंट ये वाला हार गए
अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते भाई हारने के बाद, क्या किसी को ब्लेम करें, खैर ऐसे लाने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे बॉलर अच्छे, फिर जाके कुछ होगा। खैर ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।